दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन से प्लान की। जैसे कि स्क्रीन पर आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। इस प्लान को एक रिकमेंड किया था हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि सर ऐसा प्लान कोई आप अपने चैनल पर बनाकर डालिएगा। तो उन्हीं के कहने पर उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस प्लान को मैंने बनाया है। ये दोस्तों यहाँ पर डबल स्टोरी में बना हुआ है, साथ साथ ऊपर भी डबल के बाद ट्रिपल स्टोरी पर भी कुछ चीज़ें मैंने क्रिएट कर रखी हैं। तो ओवरऑल पूरा मॉडल आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, इसका साइज भी बताएंगे, साथ साथ वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप जरूर मुझे करिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो अपना खतार देख सके। तो पूरा मॉडल आपको हम बताने से पहले आपको ले चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, प्लान है पूरा जो आज मैंने क्रिएट किया है। दोस्तों ये एक ऐसा घर है जो चारों तरफ, जहां पर आपका विंडो लगा है, मैंने ऊपर क्रिएट नहीं किया विंडो, मैं पूरी चीजें अभी आपके दिखाने वाला हूं। प्रॉपर तरीके से ग्रिल वगैरह, ऊपर का जो डिजाइन है, वो सारी चीजें आप बहुत ही खूबसूरत यहां पर देख सकते हैं। एक बेहतरीन सा विला टाइप का डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और ऐसे मकान की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। इसी मॉडल को आज हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं मैक्सिमम जूम करके अगर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं। इसकी ग्रिल का डिजाइन देख सकते हैं, इसका जो भी यहाँ पर ऊपर मैंने ग्लास वगैरह कवर किया है, इसका गुमटी वगैरह देख सकते हैं, जो आप विंडो वगैरह सारी डिटेल देख सकते हैं। हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है। सबसे पहले दो पिलर हैं, इस पर पोर्च टाइप का डिजाइन है। इसके बाद फ्रंट में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड बेडरूम है। दोनों बेडरूम में मैंने अलग अलग दो दो विंडो दिया है, जिनके बेडरूम काफ़ी बड़े हैं, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। मेन डोर ये है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। पोर्च पर आपका देखिए बीम के ऊपर एक खपराइल का डिजाइन जो ग्रामीण क्षेत्र में लगा रहता है। अगर टॉप व्यू देखना चाहें तो ये पूरा पोर्च का डिजाइन है, ये मेन डोर, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। आपकी स्टेयर्स जो यहाँ पर बनी है दोस्तों, राउंड शेप में स्टेयर्स बनी है यहीं पर, और इसी आपको जब भी स्टेयर बनवाए इसका विशेष ध्यान रखें कि ये 6 फुट हाइट यहाँ पर ले 6.5 फुट, जिससे आपको ये डोर जो मैंने लगाया ना ये ओपन हो सके, इसका विशेष ध्यान रखें। अंदर आप जाते हैं तो आपको देखिएगा सबसे पीछे 3 बेडरूम मिल जाते हैं लगातार, 2 कॉर्नर पर, एक मिड में। और इसके बाद अगर हम बात करें इस साइड, तो ये आपका किचन एरिया है, ये आपका पूजा घर है, इधर आपको 2 लेट एंड बाथ मिल जाते हैं। तो 5 बेडरूम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस घर में। फ्रंट में बेहतरीन सा पोर्च देखने को मिलता है, दो दो विंडो के साथ। साइड में भी मैंने जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, और चीज़ें दी हैं। वहीं इस साइड की भी बात करें तो यहाँ पर भी बेडरूम्स हैं, तो यहाँ पर भी मैंने किचन बेडरूम्स है तो विंडो दिया है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। अगर आपके पास आसपास जगह नहीं है तो आप इन्हें क्लोज करा सकते हैं, आपको फिर बीच में जाल रखवाना होगा, इससे प्रॉपर वेंटिलेशन आपके घर का होता रहे। तो 5 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर, और ये पोर्च के साथ बेहतरीन सा डिजाइन, और ग्राउंड फ्लोर आपका कंप्लीट होता है। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है। देखिएगा टॉप व्यू बिल्कुल सेम है, 5 बेडरूम जैसे नीचे तो वैसा सेम है, पोर्च भी सेम है, बस आपका ग्रिल जो है वो 3 फिट का लग चारों तरफ बढ़ जाता है, देख सकते हैं। ये पोर्च पर ग्रिल मैंने नहीं बढ़ाया, पोर्च में बिल्कुल सिमिलर ग्रिल लगा हुआ है जितना पोर्च का एरिया था, बस फ्रंट में और साइड में आपकी ग्रिल बढ़ जाती है, देख सकते हैं। ग्रिल का डिजाइन भी आप यहाँ पर वगैरह बेहतरीन सा डिजाइन फ्रंट का एलिवेशन के साथ आपको देखने को मिलता है, और ये पोर्च का डिजाइन। अब बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका लास्ट फ्लोर ओवरऑल बनकर रेडी हो जाता है, बेहतरीन सा देखिएगा। ये जो स्टेयर्स थी ना, उसको ढकने के लिए मैंने बना रखा है, और यहाँ पर कांच ग्लास का यूज किया है दोस्तों, ग्लास फ्रेमवर्क यूज है जो कि आपके घर को और एक लुक दे देता है। ये आपका यहाँ पर मैंने एक डोर दिया है जिससे आप छत पर आ सकते हैं, तो एक बेहतरीन सा प्लान ये बनकर रेडी हो जाता है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो 36x36 में है, उसमें पोर्च आपका एक्स्ट्रा बना हुआ है, बाद बाकी 36x36 फीट में ये पूरा 5 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर फर्स्ट पर बनकर रेडी हो जाते हैं। 10 बेडरूम आपके इस घर में कवर मैंने किए हैं, जिसमें 4 लेट बाथ, 2 किचन, 2 पूजा घर वगैरह, पूरा एक अलग अलग पोर्शन मैंने क्रिएट कर रखा है। तो अगर ये मॉडल हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करें। दोस्तों मैं पेड सर्विस भी चलाता हूं, अगर आप हमसे कोई भी घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो एक व्हाट्सअप नंबर है, तो वहाँ पर कॉल नहीं लगेगा, आपको हमसे व्हाट्सअप पर ही चैट करना होगा, और जो भी आपको मॉडल बनवाना है आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। लेकिन वो पेड सर्विस, इसका विशेष ध्यान रखें, 50% पेमेंट पहले करना होता है, 50 बाद में करना होता है, और आपके मुताबिक जो भी आप चाहते हैं वैसा घर मैं बनाकर आपको देता हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।